टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने कल करा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जो सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें एक ही पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन करे, और उसमें जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं और उनको हम क्लोन बोलते हैं। तो अभी इसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं? कॉमन फॉर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में बाइनरी फिजन आता है। इन बाइनरी फिजन एन इंडिविजुअल डिवाइड इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ सेल फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। जब ये मतलब मैच्योर हो जाता है किसी एक सर्टेन टाइम के बाद, ये थोड़ा इलोंगेट होता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसकी बॉडी का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। इसका न्यूक्लियस जो है वो और ज़्यादा रैपिडली वो फास्ट ग्रोइंग हो जाता है और अपने आप को बाय कंस्ट्रक्शन और बाय प्लेट फॉर्मेशन टू में डिवाइड कर लेता है। और आफ्टर द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस जो सेल है वो भी थोड़ा और ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है और अपने पार्ट्स को भी, जैसे इसमें साइटोप्लाज्म होता है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। हाफ़ वो इस साइड भेज देता है, हाफ़ इस साइड। तो धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे और ज़्यादा डीप होती जाती है और आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू एंड फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब दो में टूटना। तो इससे वन पेरेंट से टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। बाइनरी फिजन इज़ कॉमन इन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे एंड फंगे। बाइनरी फिजन बहुत ही सिंपल टाइप की रिप्रोडक्शन है। तो ये बहुत ही सिंपल बैक्टीरिया या एल्गे और फंगे में मिलते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होता है। तो मतलब ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिप्रोडक्शन है, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपलर मेथड है। नेक्स्ट आता है बडिंग। एंड बडिंग अ डॉटर इंडिविजुअल अराइज ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एज अ स्मॉल बर्ड लाइक आउट ग्रोथ्स। द बर्ड ग्रो डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अब बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। पेरेंट सेल होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक और आउट ग्रोथ बननी शुरू हो जाती है। आउट ग्रोथ का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक और पार्ट जो है न्यू अराइज होना शुरू हो जाता है, आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसको हम बड बोलते हैं। जैसे प्लांट होता है उसमें से फ्लावर ने जब निकलना होता है तो बड बन जाता है, वो धीरे धीरे ओपन होता है और उसमें से फ्लावर निकलता है। वैसे जो ये ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ, एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म, एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बड बोलते हैं। धीरे धीरे जो बड है वो अपने आप को पेरेंट से डिटैच कर लेता है, सोयल में गिरता है और वहीं पे एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। या ये भी हो सकता है कि ये जो बर्ड्स हैं आगे ही आगे प्रोड्यूस होते रहें और एक न्यू चेन की, जो पूरी न्यू सेल्स की चेन है वो बना ले, जैसे कि ईस्ट में होता है। बडिंग इज़ फाउंड इन ईस्ट। हेयर न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ सेल। जैसे कि यहाँ पे ईस्ट में दिखाया हुआ है कि ये डिटैच नहीं होते पेरेंट सेल से, बल्कि उनके ऊपर ही ऊपर चेन्स बनाते जाते हैं और ऐसे ही ये रिप्रोडक्शन आगे की आगे करते जाते हैं। जो पुराने वाले हैं वो मतलब टूटते जाएंगे नीचे से और न्यू वाले आगे ही आगे न्यू चेन बनाते जाएंगे। तो ये टू टाइप्स है, बाइनरी फिजन एंड बडिंग। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये भी एक सिंपल टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इज अ कॉमनली फाउंड इन ग्रीन एल्गे लाइक स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक एल्गी है, जैसे कि हम पानी कहीं पे कितने दिनों तक खड़ा रहे वहाँ पे स्टेगनेंट फॉर्म में रहे तो हम उसके ऊपर ग्रीन कलर की बिल्कुल पतली पतली थ्रेड्स देखते हैं। तो वो क्या होती हैं, जो पानी के ऊपर बिल्कुल जाला सा जो आ जाता है ग्रीन कलर का, वो स्पायरोगायरा नाम की एक एल्गी होती है। तो अब उसमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन है।
Their filaments may break into two or more fragments and each fragment grow into a new individual. It is also seen in bryophytes, mosses and liverworts. अब क्या होता है, इसके जो filaments बने होते हैं उनके अंदर हर एक के अंदर अपने अपने nucleus होते हैं, तो ये filaments जो है, जो इनके filaments हैं, इसका हर एक जो सेल है वो एक एक में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मतलब टूटना शुरू हो जाता है। टू पार्ट्स में भी टूट सकता है या इससे ज़्यादा पार्ट्स में भी टूट सकता है, ब्रेक ऑफ हो सकता है। तो जितने भी इसके पार्ट ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, जितने भी इसके फ्रेगमेंट्स होंगे, पीसीस होंगे, वो सारे न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेंगे। तो मतलब इसमें यही था कि जो सेल है वो बीच में से या सेंटर में से, कह सकते हैं इसमें फ्यूज़न और इसमें क्या डिफरेंस है। फ्यूज़न में एक इंडिविजुअल होता है, वो पहले अपनी बॉडी को इलोंगेट करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, फिर ब्रेक ऑफ करेगा। लेकिन इसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियस ऑलरेडी अलग अलग है, हर एक फ्रेगमेंट का, वो बस ब्रेकिंग ऑफ का काम करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन और जो फ्यूज़न है उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में स्प्लिटिंग ही हो रही है, दोनों में डिवीज़न हो रही है सिंपल, लेकिन उसमें पहले इलोंगेशन होती है देन स्प्लिटिंग, बट इसमें सीधा फ्रेगमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर टिनी, थिक वॉल्ड, रेजिस्टेंट असेक्चुअल रिप्रोडक्शन बॉडी, दे आर प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही टिनी, बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन थिक वॉल्ड होती है उनकी, काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से बने होते हैं। अब जैसे कोई प्लांट है उसमें ये चीज़ जो है स्पोर्स बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल की होती है, और जब उनके लिए टेम्परेचर सुइटेबल नहीं होता या कंडीशंस अच्छी नहीं होती, तब तक वो एक कैविटी के अंदर बंद रहते हैं, और इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम बोलते हैं। दे आर प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दे डिवेल्प इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये डिवेल्प होते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। मैच्योर स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय द रप्चर ऑफ स्पोरेंजिया, कीप फ्लोटिंग इन द एयर एंड आर कैरिड अवे ऑन सेटिंग सुइटेबल कंडीशन। ईच स्पोर डिवेल्प इनटू अ न्यू प्लांट, इट अकर इन फंगी, मॉसिस एंड फर्न्स। अब क्या होता है, जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है, इनके लिए जो अच्छा टेम्परेचर है या इनके लिए गुड कंडीशंस बननी शुरू हो जाती हैं, तो जो इसका स्पोरेंजियम है, इसकी जो वॉल्स है उनमें त्रेड आ जाती है, एक क्रैक्स आ जाते हैं, रप्चर हो जाती है, तो उसमें से क्या होता है, स्पोर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो वो स्पोर्स विंड के थ्रू या एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, जहाँ पे भी जाएंगे वहीं पे न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ करेंगे। तो ये जो है मेनली राइजोपस, जो कि एक टाइप की फंगी है, ब्रेड में भी पाई जाती है इस टाइप की फंगी, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम ब्रेड थोड़े दिन रहने दे ऐसी फ्रिज से बाहर निकाल के रख दे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते, तो वो इस टाइप की राइजोपस नाम की फंगी होती है, और उसके स्पोर्स जहाँ पे भी गिरेंगे, उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी, वहीं पर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।